और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज के वीडियो में एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में बात करने वाला हूँ। एम्बुलेंस ड्राइवर कहाँ के रहने वाले हैं, इसका पूरा नाम क्या है और ये क्या करते हैं, आज के वीडियो में एम्बुलेंस ड्राइवर की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सही जानकारी दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक पे और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे मैंगलोर से बेंगलोर जाने वाले एम्बुलेंस काफी तेजी से वायरल हुआ था। और उस एम्बुलेंस ड्राइवर जो थे, मैंगलोर से बेंगलोर की सफर जो 7 घंटे का है, उसे 4 घंटे में तय किया था। 400 किलोमीटर है। यदि आप नॉर्मल कार या गाड़ी से जाते हैं तो यहाँ पे आपको 7 घंटा लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उस एम्बुलेंस में 40 डे का एक बेबी था जिसे हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था। इसकी वजह से उस एम्बुलेंस को 4 घंटा में बेंगलोर के जयदेवा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। 40 डे बेबी को हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। ट्रांसप्लांट करने के बाद आप देख सकते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर को आम पब्लिक की ओर से काफी ज्यादा स्वागत किया गया। तो बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एम्बुलेंस ड्राइवर के पूरा नाम क्या है और ये क्या करते हैं और ये कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर का पूरा नाम है मोहम्मद हमीद प्लांजा। प्लांजा जो है इनका गाँव का नाम है और ये एम्बुलेंस ड्राइवर बेंगलोर में ही रहता है। ये प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर है। और सबसे बड़ी बात, जब एम्बुलेंस ड्राइवर मैंगलोर से बेंगलोर 40 डे बेबी को ले गया तो यहाँ पे आपको 1 भी रुपया चार्ज नहीं किया। जिस एम्बुलेंस से 40 डे बेबी को हॉस्पिटल जयदेवा हॉस्पिटल में ले गया उसका नाम है सैबुल अजनाम। और ये ऑपरेशन फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। ये वीडियो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद का क्लिप है, आप वीडियो देख भी सकते हैं। टिकटॉक पे बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है सलमान खान ने 50 लाख रुपया दिया, अक्षय कुमार ने 50 लाख रुपया दिया। लेकिन जितने भी वीडियो टिकटॉक पे अपलोड हो रहा है लाइक्स एंड व्यूज के लिए अपलोड किया जा रहा है, जो कि ये सब वीडियो सारे ओल्ड वीडियो है जो अदर सोशल मीडिया से डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंगलोर टू बेंगलोर इस तरह से टेक्स्ट लिखते रहे और टिकटॉक पे अपलोड कर दे रहे हैं सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज के लिए। लेकिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको लाइक्स एंड व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन 6 से 7 दिन बाद आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये सब गलती नहीं करना है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको।